बस्तर का दशहरा जितना फेमस है उतना ही फेमस यहाँ का मार्केट भी है। यहाँ का मार्केट बहुत ही यूनिक है। जगदलपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने ही लोकल मार्केट लगता है। ऐसे तो पूरे बस्तर संभाग में लोकल मार्केट लगता है, तो चलिए जान लेते हैं इस मार्केट के बारे में। कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, बाजार एक जगह होता है जहाँ पे सप्ताह में एक बार मिलते हैं। इनके पास कम्युनिकेशन का कोई टूल नहीं होता। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, वहाँ पे लेडी बैठी है, वहाँ पे गप्पे चढ़ रहे हैं, बच्चे के साथ बैठ के सारे लोग बैठे हुए हैं, हर कोई यानी बातचीत करने का, दिस इज द प्रमुख प्लेस। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जगह होता है। अलग अलग जगह से गांव वाले लोग आते हैं, अपने स्टफ लेके आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। बेचने के बाद क्या होता है, पैसे मिलते हैं, तो फिर क्या होता है, सेलिब्रेशन होना चाहिए। सेलिब्रेशन मनाते हैं, तो जो सबसे पहले इधर पूरे आपको ट्रेडर्स रेडर्स दिखेंगे बेचते हुए आते हैं। और ये जो सेक्शन है इस तरफ वाला, वो लीकर का सेक्शन है। कम्प्लीटली लीकर का जो सेक्शन होता है वो वुमेन ही लेकर देखती हैं। और कुछ लोकल चीज़ खरीदना है तो आप खरीद सकते। मार्केट में जाते हैं और मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, वीक में एक दिन मार्केट लगता है जिसमें वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, बाकी 6 दिन जोरदार मेहनत करते हैं। क्या बोलते हैं इसे, छत्तीसगढ़ में गुड़ बोबो? वाह, गुड़ बोबो बोलते हैं इसे, जिसे छत्तीसगढ़ी में गुलगुला बोलते हैं। इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है ये। क्या बोलते हैं, गुड़ बोबो? गुड़ बोबो, वाह यार, नाम ही कुछ अलग है। और खाने के बाद ही पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। ऐसे मैंने खाया है, मेरे घर में भी बनता है गुलगुला, मुझे ऐसे बोलते हैं। देखते हैं टेस्ट करके कैसा लग रहा है। जो सब्जियां हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से बेचा जाता है, तौल के नहीं बेचा जाता। आप देख सकते हैं कूढ़ा होता है, उस कूढ़ा रख के जो है डायरेक्ट उसको बेचा जाता है। कितने रुपए किलो वो है दीदी कूढ़ा ये? कितना किलो नहीं है, नहीं कितना रुपए कूढ़ा? 40 रुपए एक कूढ़ा, 20 रुपया। टमाटर ये क्या है, और ये हाँ उड़े दी। अच्छा ठीक, यहाँ भिंडी देख सकते हैं कोढ़ा में मिल रहा है। ये क्या है दीदी, ये कोचाई? नया वाला है, नया कोचाई है ये। कितना रुपए किलो है ये? 40 रुपए किलो। और ये भिंडी 60 रुपया एक कोढ़ा, इतना महंगा किलो? किलो, अच्छा। और एक ऐसे ये 10-10 का है? अच्छा, एक बागा, एक बागा बोलते हैं, एक बागा 10 रुपये। पूरे बस्तर संभाग में हर वीक में मार्केट लगता है। आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा मार्केट लगा है, और मार्केट आइए घूमिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझको। तो मैं कांकेर में ही रहता हूँ, तो मैं जाते रहता हूँ, वहीं से सब्जी लेता हूँ, तो मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जितना ज़्यादा समृद्ध है उतना ज़्यादा टैटूज आप देखिए। हंसो दीदी, देसी हल्दी। और ये क्या है दीदी, क्या नाम है इसका? चापा लाडू। और ये क्या है वो, आम का अचार? चापा लाडू। अब देखते हैं इसे टेस्ट करके कैसा लगता है भाई। तो ये है चापा लाडू, सो खा कर देखते हैं और कैसा लगा मैं बताता हूँ। चापा लाडू, चापा लाडू नहीं, ये यानी गुड़ में पहले तो इसको कुछ बनाया है, उसके बाद इसे गुड़ में डिप करके किए हैं। अच्छा लग रहा है चापा लाडू। और इस साइड जो है सेक्शन जो है महुआ दारू जो बोलते हैं वो है, तो यहाँ लेडीज़ जो हैं वो बेचती हैं। तो चलते हैं और ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है। एक यहाँ पे होता है राइस बियर, जिसको बोलते हैं लंदा। दूसरा चीज होता है यहाँ पे महुआ। तीसरा चीज होता है सूरम। चौथा चीज होता है सल्फी। पांचवा चीज होता है छिंदरस। छठवां चीज होता है ताड़ी। अब आप इन सारे 6 वैरायटी में जो पीना है पी सकते हैं। क्या है अप्रोक्स रेट क्या होता है इन सब का?
सो यहाँ पर है, यहाँ पर महुआ दारू मिलता है और ये जो जैसे बॉटल है, एक बॉटल का नहीं नहीं एक बॉटल का जो है 40 रुपये में मिलता है और एक गिलास में कर लेते हैं तो वो 20 रुपये का मिलता है। सो यहाँ पे लेडीज़ जो हैं ऐसा बेचती हैं, आप देख सकते हैं, तो ये बॉटल में ऐसा बना के जो है यहाँ पे बेचा जाता है। ये एक अलग टेस्ट का है, क्या है दीदी, क्या बोलते हैं इसको, बीसन बोलते हैं उसको, मतलब देसी बियर बोलते हैं, देसी बियर बोलते हैं इसे, लांडा को, लांडा को क्या बोलते हैं, लांडा को देसी बियर बोलते हैं। ओके सो ये देखिए, एक सेक्शन होता है जिसमें कपड़े बिकते हैं, एक सेक्शन होता है जहाँ पे वेजिटेबल्स बिकता है और एक सेक्शन होता है जहाँ पे हर यानी हर चीज़ का सेक्शन होता है। जब वीकली जब लोग पहुँचते हैं इस मार्केट में तो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का एक माध्यम क्या है, मार्केट्स, तो एक माध्यम है मार्केट्स, तो मार्केट में इन लोग बात करते हैं काफ़ी और साथ में बैठ के पीते भी, यानी बीट मेल बीट फीमेल लोग साथ में मिलके पीते हैं अच्छे तरह से। अब उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड राउंड ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यूजली जब इंसान सामान बेच देता है तो उसके पास पैसे आ जाते हैं, पैसे आते हैं तो उसको खर्चा करेगा, तो ड्रिंक करेगा, तो ड्रिंक करने के बाद आदमी क्या करेगा, एग्रेसिव होगा ना, यानी वो जाएगा अपनी अपनी पार्टनर को मारेगा एग्रेशन की वजह से। एग्रेशन लॉस करने का तरीका ये जगह होता है, द सिस्टम अंडरस्टैंड कितना साइंटिफिक अप्रोच रहा है कि मार्केट में आया, बेचा सामान, बेचा पैसे इकट्ठे हुए, लिकर पिया, लिकर को अब हटाने के लिए व्हाट डू यू हैव, यहाँ एग्रेशन जाता है तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के किस्से एकदम ही कम। तो दोस्तों यह था बस्तर मार्केट, तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली के बीच, और अगर किसी चीज़ का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर जल्द ही और डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का जो मार्केट, जो लोकल्स हैं, यहाँ का जो टेस्टी फूड्स है वो सब चीज़ें, यहाँ पे जो देसी फूड है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ दादी जो हैं लड्डू दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, फिर आना लड्डू, तिली के लड्डू, तो दादी तिली के लड्डू दें सर, लीजिए सर ट्राई करिए आपको। तो दोस्तों यानी बस्तर में इतना ज़्यादा प्यार मिलनसार होते हैं, भले ही लोग सोचते हैं कि ये मिलते जुलते नहीं हैं मगर बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होते हैं, अगर आप इनसे बात करना चाहें तो बात भी करेंगे, आपको जो भी डिटेल चाहिए यानी जो भी पूछते हैं वो बताते भी हैं और बड़े मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें, इससे आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।